वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र क्रिएटिव। इस वीडियो में मैं कुछ अपनी फेवरेट ड्राइंग्स दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी 2020 में बनाई है और कुछ 2019 के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इनमें से आपको कोई भी ड्राइंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ और मैं मटेरियल्स भी बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये पहली ड्राॅइंग है मेरी थॉर की, जो कि मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाई थी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसमें मैं टोटली ग्रेफाइट का यूज़ किया। बस ये जो इसकी तलवार है, तो उसमें मैंने डार्कनेस के लिए मैंने चारकोल का यूज़ किया। ये टोटल पूरा ग्रेफाइट का है, उसमें लेयर बाय लेयर शेडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्केच की तरफ बढ़ते हैं। ये है केसरी वाला स्केच, इसमें मैंने बियर्ड के लिए चारकोल पेंसिल और ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ किया चारकोल पर, और इसमें मैंने ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल यूज़ की है आर्ट लाइन की। और ये है बेबी वाली ड्राइंग, जिसमें मैंने सॉफ्ट टेक्सचर के लिए कॉटन का यूज़ किया है और आर्ट लाइन की 4B 2B पेंसिल्स का यूज़ किया है। मैंने हेयर्स के लिए डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ की है, ना कि मैंने चारकोल यूज़ किया है। इसमें मैंने 0 मोनोटोम रेजर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये बात आती है रजनीकांत वाली ड्राइंग में, इसमें मैंने चारकोल ग्रेफाइट दोनों का मिक्सचर में किया है। तो इधर चारकोल्स का हेयर और ये जो आई है, इनकी जो डस्ट होती है, इनसे मैंने ये स्क्रीन टेक्स्चर दिया है। और जिसकी कोट है, इसको मैंने टोटली ग्रेफाइट से किया है। ये आती है एक और बेबी वाली ड्राइंग, जो कि रो रहा है। तो इसमें मैंने ड्रॉप आई ड्रॉप के लिए मैंने 0 मोनोटोम्बर रेजर और हेयर्स में भी 0 मोनोटोम्बर रेजर का यूज़ किया है, और टोटली ये भी पूरा ग्रेफाइट का है। फ्रेंड्स, ये पप्पी वाली ड्राइंग, तो इसमें मैंने मैंने इसमें ब्लेंड नहीं किया है। और अगर ये देख सकते हैं आप, ये आर्ट लाइन के बॉक्स पे बना था, जो कि मैंने बना लिया है। और फ्रेंड्स, ये सलमान खान की ड्राइंग देखते हैं, इसमें मैंने चारकोल को मिक्स किया इधर इधर पे भी, और ये पार्ट तो चारकोल का, ये पूरी जो उसकी जैकेट है ये भी चारकोल की है, और इसमें मैंने स्मूथ शेडिंग की है। और ये स्पाइडरमैन वाली ड्राइंग, जिसमें मैं टोटली मैंने ग्रेफाइट का किया है, लेयर बाय लेयर शेडिंग की है इस पर। देख सकते हैं शाइन कर रहा होगा ये, क्योंकि ये पूरा लेयर बाय लेयर शेडिंग किया गया है इस पर, इसलिए ज़्यादा ये फीका फीका सा नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने तीनों ग्रेड की चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, सॉफ्ट हार्ड मीडियम का। फ्रेंड्स, अगले स्केच पे पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने जिसकी आपको आउटलाइन की वीडियो डाली थी, ये वही स्केच है जो कि बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्का सा मुँह पर साइन आ रहा हुआ है। तो उसको काफ़ी दिन लगे बनाने में, और इसको मैंने ज़्यादा तक 0 मोनोटोम रेजर का यूज़ किया है वाटर टेक्सचर देने के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्केच, ये वन ऑफ द माई फेवरेट स्केच है। आप हैंड्स देख सकते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक है। तो ये पहला ट्राई था, और उसके बाद मैंने थैनोस की बनाई, जिसपे दोनों जो सौरभ जोशी ने पेन से बनाई थी, ये मैंने पेंसिल बनाई है। तो इधर मैंने कलर्स पेंसिल का भी यूज़ किया, और यहाँ पे इंडेंटिंग टेक्निक का भी यूज़ किया है। आप नहीं जानते इंडेंटिंग टेक्निक, तो फ्रेंड्स आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने यूज़ किया है। बेसिकली हम उसको खाली पेन से यूज़ करते हैं। और इधर ये ग्रैंड मदर वाली फ़ोटो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थी, इस वजह से ये काफ़ी मैंने इसको काफ़ी देर टाइम लगा के बनाया है। इसमें मैंने चारकोल का भी यूज़ किया है, और टोटली पूरा फेस के लिए मैंने ग्रेफाइट यूज़ किया है। और इसको मैंने ब्लेंडिंग स्टेप से नहीं ब्लेंड किया है, मैंने इसको ब्रश और थर्माकोल से ब्लेंड किया है। आगे वाली वीडियो में आपको सिखा दूंगा कैसे थर्माकोल से भी ब्लेंड कर सकते हैं, न्यू टेक्निक आई है, थर्माकोल से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं।
तो ये थे कुछ मेरे अभी के स्केचेस। इनमें से आपको कोई सा भी पसंद आता है तो फ्रेंड्स कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स इस चैनल को। और मेरे स्केच जो है काफ़ी इनमें इम्प्रूव हुए हैं, तो अगर मेरी पुरानी वाली जो मेरी उसमें डिस्प्ले बुक थी उसके अंदर आप देख सकते थे कि काफ़ी मेरे मतलब किसी का मेज़रमेंट ठीक नहीं था। अभी के स्केच पे मेरा मेज़रमेंट देख सकते हैं ये, और ये सब इन पे मैंने मेज़रमेंट भी ठीक किया है इस समय मैंने अपना, ये देख सकते हैं उनमें जैसे पन्नों के बाहर बाहर स्केच चले जा रहे हैं, इसमें पूरा चीज आ रहा है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। मेज़रमेंट की मैंने वीडियो डाली है, आप चाहें इसकी, और इसका थर्ड पार्ट नहीं अपलोड हुआ है, तो अगर आपको इनमें से किसी की भी टाइम लैप्स वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं और कैसे आप जीरो मोनोटोम्बो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही वीडियो में दोनों चीज़ को बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स एक्टिव रहिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा इनमें से आपको कौन सी ड्राइंग पसंद आई है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।